व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए मैं पेश करने वाला हूँ द रॉयल घोस्ट फेयरवेल अटैक। जी हाँ, रॉयल घोस्ट जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका एक फेयरवेल अटैक तो बनता है, जैसे फेयरवेल पार्टी होता है वैसे। तो फेयरवेल वॉर अटैक्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको रॉयल घोस्ट के, किस तरह से हमने रॉयल घोस्ट का यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से। रॉयल घोस्ट बहुत ही बढ़िया ट्रूप था और ये सब चाहते हैं कि ये एक परमानेंट ट्रूप हो, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब ये इवेंट के लिए अवेलेबल था 12 डेज के लिए, तो सब ने बहुत यूज़ किया इसका और मैं भी आपको इसका वॉर यूज़ दिखाता हूँ मेरा। ये जो देख सकते हैं आप, बेस TH10 है, पर TH10 11 हुआ है। सो मतलब आप इसको TH10 कंसीडर कर सकते हैं। और इससे हम इस बेस पर अटैक करने वाले, देख सकते हैं आप कितना ख़तरनाक बेस है। और रॉयल घोस्ट को यूज़ करके हम यहाँ पर 3 स्टार करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फेयरवेल अटैक की, रॉयल घोस्ट फेयरवेल अटैक। यो गाइस, तो आपको अगर रॉयल घोस्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। रॉयल घोस्ट के शानदार अटैक्स दिखाऊंगा मैं आपको। और एक अटैक तो ये भी है कि TH11 वर्सेस TH14 अटैक, वो लास्ट में आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको गाइस रॉयल घोस्ट को देखने में। ये देखिए, अभी रॉयल घोस्ट डिप्लॉय करके मैं बिल्डिंग्स क्लियर कर रहा हूँ सारी। फिर हम ब्लॉक लॉन्चर और हीरोज से बेस क्लियर करेंगे और लास्ट में हम शुरुआत करेंगे बैट स्पेल्स की, और इसी के साथ हमारा अटैक हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक। बहुत ही बढ़िया है ये रॉयल घोस्ट स्ट्रेटजी, अब यूज़ नहीं कर सकते लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा गाइस। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। यहाँ पर देखिए इन्फर्नो टावर्स जो है वो डाउन कर रहे हैं रॉयल घोस्ट, और CC में से निकल चुके हैं सुपर मिनियंस। तो हमने हीरोज और लॉग लॉन्चर डिप्लॉय कर दिए यहाँ पर। न्यू TH11 है, तो आप देख सकते हैं वार्डन भी अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक। और ये इसी के साथ आर्चर क्वीन एबिलिटी यूज़ करके हमने सुपर मिनियंस को डाउन कर दिया है, और CC में लिया था 80। तो देखिए अब शुरुआत कर दी हमने बैट स्पेल्स की, और फ्रीज यूज करते रहना है बैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ये 3 स्टार होने वाला एक अनबिलीवेबल अटैक। नॉर्मल ट्रूप्स यूज़ करके हम अटैक सोच भी नहीं सकते थे कि TH10 बेस जो है वो TH11 को 3 स्टार कर जाए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं होने के। और ये देख सकते हैं आप रॉयल घोस्ट की वैल्यू बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 3 स्टार हो चुका है गाइस। दूसरा अटैक दिखाता हूँ अब आपको, दूसरा अटैक किया है मैंने, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर भी सेम रॉयल घोस्ट हम डिप्लॉय कर रहे हैं पहले बेस क्लियर करने के लिए बाहर का, और फिर जैसे बहुत ज़्यादा बेस क्लियर हो जाए तो हम फिर डालेंगे हमारे हीरोज और लॉग लॉन्चर और फाइनली बैट स्पेल्स। यहाँ पर देखिए सुपर मिनियंस निकल चुके हैं CC में से, लेकिन फिर भी हम रॉयल घोस्ट से अटैक करते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि रॉयल घोस्ट जो है वो 12 सेकंड्स तक इनविजिबल रहते हैं। यही बनाता है उसे एक एक्स फैक्टर वाला ट्रूप, इसीलिए ज़्यादा लोग को रॉयल घोस्ट बहुत पसंद आया है, क्योंकि 12 सेकंड्स तक इनविजिबल रहकर बहुत ही शानदार अटैक कर सकता है। और इसके डैमेज पॉइंट्स यानी कि हिट पॉइंट्स भी पैका के जैसे, तो यानी कि
पैका का अटैक और स्नीकी गॉबलिन्स की डबल एबिलिटी, तो ये बनाता है इसे एक एक्सपेक्टेड रूप। तो आप अटैक देख के एंजॉय कीजिए गाइस, क्योंकि अब रॉयल गोस्ट जो है वो नहीं मिलने वाला है आपको COC में। वैसे ये क्लैश रॉयल में अभी भी अवेलेबल है गाइस, लेकिन क्लैश ऑफ क्लैंस में नहीं मिलेगा अभी ये रॉयल गोस्ट। हम नेक्स्ट हेलोवीन में देखेंगे ये आएगा कि नहीं इवेंट में। यहाँ पर आप अटैक देखते रहिए, अटैक जारी है अभी भी। अब यहाँ पर बाबरियन किंग और CC डिस्ट्रॉय करके फिर मेरा मोटिव ये रहेगा कि इन्फर्नो भी डाउन हो जाए। तो चलिए दूसरी साइड पर मैंने डिप्लॉय कर दिए हीरोज और लॉग लॉन्चर। और आर्चर क्वीन ने अब सुपर मिनियन डिस्ट्रॉय कर दिए। यहाँ पर आप देखिए रॉयल गोस्ट जो है वो इन्फर्नो टावर को डाउन कर देगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो अब हम शुरुआत कर देंगे बैट्स की, जैसे ही लॉग लॉन्चर में से ये डिस निकल जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं बैट स्पेल्स। ये आप देख सकते हैं कितना इजीली यहाँ पर ये बेस डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर तो फ्रीज यूज करने की भी यूज नहीं पड़ी। स्वैग स्पेल्स, यो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये स्वैग स्पेल्स यो। चलिए गाइस एक और अटैक बताता हूँ, ये बहुत ही ये अनबिलीवेबल अटैक लगेगा आपको। TH11 रस्ट बेस वर्सेस TH14, एकदम टॉप बेस पर अटैक किया है यहाँ पर मैंने। यहाँ पर सिर्फ एक स्टार की वजह से हम वॉर आ रहे हैं और वो भी इसी अटैक की वजह से, क्योंकि एक स्टार नहीं ला पाया मैं। दिखाता हूँ आपको कैसे 2 स्टार नहीं हो पाया ये बेस। चलिए बैटल बीम देखकर आपको लग ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है एक साइड के मैं एयर स्वीपर डाउन कर दूंगा लाइटनिंग जैप से, ताकि उसके अपोजिट साइड से मैं बैटल बीम इजीली डिस्ट्रॉय डाल सकूँ। तो ये देख सकते हैं अब वो काम हो गया है। तो अब रॉयल गोस्ट से हम बेस क्लियर करेंगे यहाँ पर, और रॉयल गोस्ट के लिए रेज भी लाया हूँ मैं, क्योंकि ये बेस 3 स्टार करना तो इम्पॉसिबल ही है इस आर्मी से। यानी कि इस लेवल पर हम TH11 रश है। तो चलिए गाइस अटैक एंजॉय कीजिएगा पूरा। CC में से निकल चुके हैं ड्रैगन्स और बलून। यहाँ के दोनों एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ एक स्कैटर शॉट हम डिस्ट्रॉय कर जाए, फिर डालेंगे बैटल ब्लिंप। चलिए अब हम बैटल बीम डालने के लिए तैयार है, उसके पहले हीरोज डाल दिए दोनों। और यहाँ पर 1 स्टार मिल चुका है बहुत इजीली। तो देखिए अब सारे रॉयल गोस्ट छोड़ दिए मैंने, वार्डन और बैटल ब्लिम भी। फिर वार्डन्स एबिलिटी हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो एयर स्वीपर है उसकी वजह से बैटल ब्लिम थोड़ा डिस्पोजिशन हो गया, और जो स्निकी गॉबलिन्स है वो ज़्यादा के ज़्यादा CC पर आधारित हो गए। यानी कि CC पर उन्होंने पहले अटैक किया और बाद में TH पर। तो आप देख सकते हैं कितने कम लेवल के जैसे टाउन हॉल हमारा रह गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरी इस अटैक की वजह से, फेल होने की वजह से ये वॉर हम हारे हैं। ये देखिए मेरा बेस भी दिखा देता हूँ आपको कैसा है। ये एक रस्ट बेस है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।
Till then, stay tuned. Bye guys, see you soon.